Welcome to Khan Academy. Let's crack it. Crack UPSC GS with India's largest learning platform. आई होप अब सब ठीक होंगे, मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी और मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे होंगे। एक्सट्रीमली सॉरी, आज हम थोड़ा सा लेट हो गए और अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न वी आर सम बिट लेट। होपफुली आप सब रेडी होंगे। जस्ट मुझे बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है और आप मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं। ऑल क्लियर बेटा? हाय विकी, हाय वर्षा, सोनाली, आदित्य, जतिन वर्मा, सॉरी एज वी आर इन द न्यू चैनल, सो हर नई चीज़ को करने में थोड़ा सा समय लगता है और आज भी पहला डे था तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। हाय अशोका, अशोक राणा, shall we start? Please type yes, all is clear and we all are ready. आप सब जानते होंगे कि हम major personalities पढ़ रहे हैं, यानी कि modern Indian history के अंदर हम लोग major personalities पढ़ रहे हैं। अब उस major personalities के अंदर हम लोगों ने already एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, बाबा साहब अम्बेडकर, फिर उसके बाद हमने चंद्रशेखर आज़ाद और उसी के अंदर हम लोगों ने एक और पर्सनैलिटी जो डी से पढ़ी थी, दैट वाज दादाभाई नरोजी। और आज अगर हम, क्योंकि डी से हम दो पढ़ चुके हैं, दयानंद सरस्वती को भी हमने कंप्लीट किया था, अब अगर आप देखेंगे तो अब हमारे पास डी के बाद ए बी सी डी, अब ई का वर्ड यूज़ होता है। यानी आज जो पर्सनैलिटी हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पर्सनैलिटी का नाम ई वी रामस्वामी, बहुत बड़ा नाम है और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज हम लोग पढ़ लेंगे। यानी कि हम क्रॉनिकल फॉर्म में, अल्फाबेटिक मैनर में एक एक करके जो है इन पर्सनैलिटीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। और अब जो वन वीक रहेगा कंप्लीट, ये वन वीक, इसमें हम लोग और नई पर्सनैलिटीज़ को ऐड करते जाएंगे। उम्मीद है कि आपके नोट्स भी बन रहे होंगे, आपने नोट्स भी स्टार्ट किए होंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी मैंने पर्सनैलिटीज़ पढ़ाई हैं, मेजर पर्सनैलिटीज़, और बात मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि हम मेजर पर्सनैलिटीज़ पढ़ रहे हैं। आप मेजर पर्सनैलिटीज़ के अंदर जितने भी नाम मैंने अभी तक लिए, जिनको हमने कम्प्लीट किया है, अब उनमें एक और पर्सनैलिटी जो जुड़ेंगी आज, वो है ई रामस्वामी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस पर्सनैलिटी को आप बहुत कम जानते हैं। वैसे बाकी की पर्सनैलिटीज़ को तो आप बहुत अच्छे से जानते थे, वो एनी बेसेंट की बात कर लें, वो हम लोग बाल गंगाधर तिलक की बात कर लें, क्योंकि उनके बारे में आपको काफ़ी कुछ जो है वो स्पेक्ट्रम में भी पढ़ने को मिलता है और हमें पहले से भी थोड़ा एनसीईआरटी के अंदर हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक मेजर पर्सनैलिटीज़ है। अगर आप ये समझते हैं कि ये एक छोटी मोटी पर्सनैलिटीज़ हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर दिक्कत ये है कि आप शायद समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आज इस पर्सनैलिटी को आपने समझना पड़ेगा, इस पर्सनैलिटी को आपने अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। अब ये पर्सनैलिटी जो है वो इन्होंने किस किस में काम किया, ये भी एक हम लोग मान सकते हैं कि एक इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब जिस जिस पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो मेजर पर्सनैलिटीज़ हैं इंडिया की और वो फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए है कि आज से जो भी हमारी क्लासेस होंगी यूट्यूब के ऊपर और मेजर पर्सनैलिटीज के ऊपर, वो इसी चैनल पे होंगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डेली आपको लिंक शेयर भी कर दी जाएगी, आप उस लिंक को क्लिक करके यहाँ ज्वाइन भी कर सकते हैं। कल से ऑन टाइम क्लास 10 AM होगी। आज थोड़ा सा पहला दिन था तो थोड़ा सा समय लगा, लेकिन कल से आपकी क्लासेज की टाइमिंग जो है वो एग्जैक्टली 10 AM होगी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आपको क्लासेस मिलती हैं। इन एजुकेटर्स के थ्रू आप लोग पता करते हैं कि जो मेजर चीज़ है वो यही है कि सर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग द these teacher, they show you the way how you have to approach the UPSC exam. Apart from that, आज हम PR EV रामस्वामी के बारे में पढ़ेंगे।
दिस इज अबाउट मी सुहेल तुर्की, गाइडेड मोर देन 10,000 स्टूडेंट एंड टीचिंग हिस्ट्री इन इंडियन सोसाइटी एंड अनअकैडमी। होपफुली आप लोग तो क्लासेस भी देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई डू क्लासेस ऑन द स्पेशल क्लासेस। अगर आप में से कोई बच्चा आज पहली बार मेरे साथ जुड़ा है, सो आई रिक्वेस्ट देम कि आप मेरी क्लासेस चेक कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटर 21। जो कैंडिडेट पहली बार ज्वाइन किए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार इस चैनल को, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन भी कर लें, सो दैट यू कैन गेट एन अपडेट रिगार्डिंग माय अपकमिंग क्लासेस। आपको सारी नोटिफिकेशन यहीं पे मिल जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट ऑफर विद अन अकेडमी, यू कैन गेट इट इनटू 363,898, इन विच यू विल गेट ए 20 बुक्स, 3 मंथ एक्सटेंशन एंड 45,000 रुपीज टेस्ट सीरीज। एंड आज इसका लास्ट एंड फाइनल डे भी है। विद अन अकेडमी डू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग स्कॉलरशिप टेस्ट गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द 23rd Jan एग्जैक्टली एट 11 AM एंड lot of good offers for all of you and it will be available in both Hindi and English. ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में होगा, so hopefully इस संडे को आप लोग इसमें participate भी करेंगे। Apart from that, please do participate in the free mega test series for UPSC CSE, बिल्कुल free है। और काफ़ी अलग अलग history हो गया, polity हो गया, economy हो गया, उनकी test series है, so आपको बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ें। और मैं मानता हूं कि अगर हम लोग टेस्ट सीरीज में ही पार्टिसिपेट करें तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च वेरी सून यूपीएससी सीएसई ऑप्शनल चैनल बाइलिंगुअल इन हिंदी स्टार्टिंग विद अ कंप्लीट ऑप्शनल पेपर फ्रॉम एनालिसिस फॉर यूपीएससी सीएसई 2021। इवन इसमें काफ़ी क्लासेस मैं भी ले रहा हूँ और होपफुली आप लोग भी जुड़ेंगे। एंड डेफिनेटली मुझे उम्मीद भी है कि आप भी इसमें जुड़ेंगे। द कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दे विल गेट अ लाइव मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म एंड स्टडी प्लान एंड मेंस क्वेश्चन आंसर सेशन इन ओपन हाउस विद एजुकेटर। एंड दोज हु आर हैविंग सम फाइनेंशियल इश्यू, दे कैन गो फॉर द लोन प्रोसेस एज वेल एंड इट विल टेक जस्ट 2 आवर टू कम्प्लीट द होल प्रोसेस। 2 आवर्स के अंदर ये कंप्लीट भी हो जाएगा। एंड हियर यू कैन यूज माई कोड सुहेल 10 टू गेट अ 10% ऑफ इंस्टेंट डिस्काउंट। एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर ऑप्शनल दे हैव टू पे 24,750 रुपीज। आज बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, मैं जहां तक अपने स्टूडेंट को समझता हूं और जहां तक मैंने भी उनको पढ़ाया है, मैं जानता हूं कि आप लोग इनका नाम तो जानते होंगे लेकिन इनके बारे में काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होंगी। इसीलिए चाहता हूं कि कल को आपका कोई पेपर के अंदर कोई भी सवाल ना छूटे। क्या है ये, किस चीज के लिए जाने जाते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, क्यों हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर इनको पढ़ना पड़ता है, और सर अगर इनके बारे में पूछा भी जाएगा तो प्री हो या मेंस में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। बर्न इन 1879, पीआर इज रिमेंबर फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट। याद रखिएगा मेरी इंपॉर्टेंट बात। आज सुबह मॉर्निंग में मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़ा नाम पढ़ाया था, रविदासिया कम्युनिटी, रविदास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। ये वो रविदास थे जिनके बारे में मैंने आज सुबह मॉर्निंग में पढ़ाया, जो एक अनटचेबिलिटी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो एट्रोसिटी से बहुत तंग आ चुके थे, छोटी जात, फिर उसके बाद उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई और देन ही डिसाइडेड टू मेक हिज ओन रिलीजन कॉल्ड रविदासिया रिलीजन। आज सुबह मॉर्निंग में पढ़ा था, आप याद करिएगा। रामा स्वामी को हम लोग जिस चीज के लिए जानते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए जानते हैं। इन्होंने उस समय कहा था कि जो अनटचेबिलिटी का मसला है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सकती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं खत्म कर सकते। आज भी अगर समाज के लोग चाहें तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सकती है, बट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि रिस्पेक्ट। देखिए, जो चीज जिस चीज के लिए इंसान जीता है, हम दुनिया में इस सारे मतलब पूरे इंटायर लाइफ में हम भी ये चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट,
और इन्होंने जो डिमांड की थी सेल्फ रेस्पेक्ट फॉर अनटचेबल्स, रेस्पेक्ट दे दीजिए, उनका क्या काम है, उनका क्या काम वो करते हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो किस कास्ट से, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते, और इस चीज के लिए ये मशहूर हुए। देखिए ना, मीन्स इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आज भी आप भी एग्री करते होंगे कि सर ठीक है, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट है, और इस मूवमेंट ने बहुत कुछ कमाया था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी ये, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। प्लीज इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करिएगा। आइडेंटिटी एक तो ये है कि ये फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट टू रिडीम द आइडेंटिटी एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर द तमिल्स। अब आप बोलेंगे सुहेल सर, इन्होंने तमिल्स की बात की है, इन्होंने पूरे इंडिया की बात तो नहीं की, लेकिन अगर आप देखेंगे ये तो ये मूवमेंट जब आगे बढ़ेगी तो इसमें सारे इंक्लूड्स हो जाएंगे, सब लोग, आप भी मैं भी। अब ये कहते हैं कि देखिए, एक तो हमारी जो आइडेंटिटी है, पहचान और सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तमिल्स, क्योंकि उस समय तमिल के लोगों को बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। मैंने कहा ना, डिस्क्रिमिनेशन अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की बहुत लंबी हिस्ट्री है, वो कलर पे भी हुई, रिलीजन पे भी हुई, कास्ट पे भी हुई, रीजन के ऊपर भी होती है, और आज भी कहीं ना कहीं है। मुझे तो ये लगता है कि एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट नहीं करने की जरूरत है। सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में आपको, आप जिस चीज के लिए जीते हैं वो यही है कि सर हमें भी रेस्पेक्ट चाहिए, छोटी जात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं छोटा काम करता हूँ वही, लेकिन मेरी एक अपनी रिस्पेक्ट है, और ये रिस्पेक्ट उन्होंने तमिल्स के लिए डिमांड की। अब ये याद रखिएगा कि ही इन्वेस्टिगेट एट ड्रेविडियन होम लेड ऑफ ड्रेविडिया नायडू। आप सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर ड्रेविडियन जो लीनेज आई थी, तो नाम भी जरा देखिएगा क्या रखा गया है, नाम रखा गया है ड्रेविडिया होमलैंड ऑफ ए ड्रेविडिया नाडू, तमिलनाडु का, एंड लॉन्च्ड ए पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड ड्रेविडियर कैजिगम विच इज नोन एज डीके पार्टी, सिंपल वे में, तमिलनाडु के लोगों के लिए, तमिल लोगों की इज्जत के लिए, तमिल लोगों की वैल्यू के लिए। डिस्क्रिमिनेशन वहां पे भी होता था तमिल के अंदर। अच्छा, आपको याद होगा कि श्रीलंका के अंदर जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो तमिल्स की है, मैंने बार बार अपनी क्लासेस के अंदर बताया है। ये जो पर्सनैलिटीज जब हम पढ़ते हैं ना, इनकी सोच जरा देखिए, इनकी ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है, ये कुछ चीज नहीं चाहते हैं, एक ही चीज इनकी पूरी इंटायर लाइफ में गुजरी है, रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट एंड रेस्पेक्ट, और वो भी तमिल लोगों के लिए। पार्टी क्रिएट कर दी कि जब तक हूं तब तक इनकी रेस्पेक्ट की बात करूंगा। मुझे नहीं पता है कि आपने इससे पहले इनके बारे में कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं पूरा पर्सनैलिटीज के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश भी करूंगा। उम्मीद है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए इनको याद भी रखेंगे। इंटायरली हमारा पॉइंट तो यही रहेगा, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत कुछ किया है इंडिया की सोसाइटी के लिए। ई रामास्वामी स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर एज ए कांग्रेस वर्कर, पहले ये कांग्रेस के अंदर। अब ये यहां पे कंफ्यूजन क्या है कि कांग्रेस में रह के भी इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इनको पसंद नहीं थी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर काफी कुछ ऐसा हो रहा था जो बिल्कुल इनको पसंद नहीं था। अब ये कांग्रेस के वर्कर भी थे, पॉलिटिकली अगर देखेंगे तो एज ए कांग्रेस वर्कर इन हिज होम टाउन इरोड एंड ही क्वारल्ड विद गांधी, लड़ाई होगी ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट डाइनिंग फ्रॉम द ब्राह्मिन्स एंड नॉन ब्राह्मिन्स। गांधी जी के साथ लड़ाई इस बात पे हुई, समझ में ये नहीं आता है कि आप लोग खाना पीना अलग क्यों करते हो, ब्राह्मण्स अलग खाना पीना करते हैं, नॉन ब्राह्मण्स अलग खाना पीना करते हैं, और इस पे गांधी जी के साथ थोड़ी बहुत उनकी बात भी हुई, थोड़ी बहुत क्या मानिए कि एक लड़ाई भी हो गई। आप समझ रहे, अननेसेसरली पॉइंट ना लिखें आप लोग, ऑफलाइन में क्या है ऑनलाइन में क्या है वो अलग बात है, आप टॉपिक की ओर ध्यान दीजिए। अब यहां पे इसने पूरा कंप्लीटली लिखा है कि
कांग्रेस वर्कर इन हिज होम टाउन कॉल विद द गांधी ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट डाइनिंग फॉर ब्राह्मिन एंड नॉन ब्राह्मिन स्टूडेंट एट गुरुकुलम। गुरुकुलम मतलब गुरुकुल के अंदर, गुरुकुल एक ऐसी जगह है, देखिए आप मेरे इस समय स्टूडेंट हैं तो ये भी गुरुकुल ही है, आप बैठे हुए हैं सारे क्लास ले रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, फॉर मी एवरीबॉडी इज इक्वल, हर कोई एक है मेरे, विद ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन गांधी जी के साथ लड़ने की बात यह थी कि अगर गुरुकुल है, अगर गुरुकुलम है, तो इस गुरुकुलम के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ ट्रीट किया जाए एज ए स्टूडेंट, वो किस जात से बिलोंग करता है, वो क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर ब्राह्मण का बच्चा पढ़ रहा है और नॉन ब्राह्मण का भी बच्चा पढ़ रहा है, वो एक ही सीट पे बैठेंगे, एक ही जगह खाएंगे, अलग अलग नहीं खाएंगे। समाज के अंदर आज भी कुछ वर्ग ऐसे बटे बटे से दिख रहे हैं, आज भी कहीं ना कहीं आपको फेवरेटिज्म देखने को मिलता है, मैं मानता हूं आज भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग के अंदर ये पॉइंट्स हैं, इनको खत्म करने की जरूरत है। इसीलिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इनको पढ़ाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो चाहता हूं कि ये जो मेजर पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने देश को बदलने की जो बात की है ना, ये हर बच्चे को पढ़ाया जाए। सेपरेट डाइनिंग वाई एट गुरुकुलम ए कांग्रेस स्पॉन्सर्ड स्कूल ओनेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर, ये कांग्रेस का स्कूल था, कांग्रेस ने बनवाया था ये स्कूल, बनाने के पीछे नेशनलिस्ट लीडर VVS अय्यर इन चेरामंडी देवी नियर तिरुवानी, ये कांग्रेस ने ही एक स्कूल बनाया जो कांग्रेस ये कहती थी कि हम लोग एक हैं। तो उनका सवाल था कि अगर कांग्रेस ये कहती है कि एक है, तो फिर कांग्रेस के स्कूल में अलग अलग डाइनिंग टेबल लगते कैसे। पॉइंट शुड बी नोटेड, दैट्स व्हाई आई सेड इन द अर्लियर फेज ऑफ द कांग्रेस, अर्लियर फेज कांग्रेस का जो था वो कुछ अच्छा नहीं था। कांग्रेस का वन लीडर है, कांग्रेस का स्कूल है, और कांग्रेस के स्कूल के अंदर ये कि एक ब्राह्मण अलग और एक शूद्र अलग, और वहां से कांग्रेस ये कहती है कि हम एक हैं, और वहां से गांधी कहते हैं कि अनटचेबिलिटी भी एक है, सारे हम लोग एक हैं, तो ये भेदभाव क्यों। यही वजह है कि इनको कांग्रेस के अंदर, इन्होंने कांग्रेस को लीव कर दिया और एक अपनी पार्टी बनाई, DK पार्टी। आप शायद इससे पहले ये चीज नहीं जानते थे, शायद में भी आपको ये पता भी नहीं था, बहुत बड़ी लड़ाई गांधी जी की और इनके बीच में हुई कि आप समाज के लोगों को ये कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन आपके स्कूल के अंदर दो अलग स्टूडेंट अलग अलग जगह पे बैठते हैं। मेरे लिए ये पर्सनैलिटी बहुत हायर है इन टर्म्स ऑफ ए सेल्फ रेस्पेक्ट मोमेंट। देखिए इन्होंने आजादी के लिए क्या किया वो एक अलग बात है, सबसे पहले समाज के लिए क्या किया वो इंपॉर्टेंट है। एग्री करते हैं इस पॉइंट पे, एग्री करते हैं बेटा इस पॉइंट पे। ही वॉज फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ untouchables, he was fighting for the lower caste people and he was fighting that there should be equality, koi badi baat nahi, and the only way is a self respect movement. agar iska koi best way hai jahan se hum log in sab ko self respect de do, baki hame kuch bhi nahi chahiye। kya aap aise school mein rehna pasand karenge jahan pe alag alag treatment alag alag students ko hoti hai? nahi। मैं तो इन लीडर्स को सल्यूट करता हूं, ये लीडर मुझे आज चाहिए, कांग्रेस के वर्कर है, कांग्रेस के अंदर है, और कांग्रेस के अंदर प्रॉब्लम देखी तो बोल दिया, बोला ये नहीं होना चाहिए, नहीं चाहता ये पार्टी, मुझे चाहिए नहीं। एंड बीइंग एज ए सोशल रिफॉर्म, सोसाइटी का रिफॉर्म करने की बात की गई, एंड दैट्स व्हाई एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पेरेंट्स अय्यर had provided a separate dining from Brahmin students. Iyer, जो कि खुद एक कांग्रेस के मेंबर थे, at the request of the parent, Iyer had provided a separate dining for the Brahmin students. E.V. Ramaswamy को यह बात अच्छी नहीं लगी कि आप कांग्रेस का बंदा होके आपको कोई बाहर से आके बोल रहा है तो आपने ब्राह्मण अलग कर दिए और छोटी जात के अलग कर दिए। PR opposed and Gandhi proposed a compromise, arguing that the while it may not be a sin for a person not to dine with another, he would rather respect their surplus. अब देखिए गांधी जी यहां पे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जरा एग्री करिएगा, इससे पहले शायद आपने ना पढ़ा हो। अय्यर जी ने, वो भी एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं, बाद में उनके बारे में भी हम लोग पढ़ ही लेंगे, उनको कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि आपके स्कूल के अंदर
दोनों जात के लोग पढ़ते हैं लेकिन हमें डाइनिंग अलग चाहिए, खाना पीना अलग चाहिए इनका, तो वो अलग कर देते हैं। नहीं करना चाहिए था क्योंकि आप तो कांग्रेस को चला रहे हैं, आप तो देश आजाद करने की बात कर रहे हैं। वाइल ईवी रामस्वामी अपोजिट, तो गांधी प्रपोज्ड ए कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज किया गया, arguing that while it may not be a sin, ये कोई गुनाह नहीं है। अब यहाँ पे point जरा understand करिएगा, ये कोई गुनाह नहीं है, not be a sin for a person not to dine with another, दूसरे के साथ खाना बैठ के नहीं खा रहा है, ये कोई गुनाह नहीं है, मेरी मर्जी है मैं खाना चाहता हूँ या नहीं खाना चाहता हूँ, क्योंकि गांधी जी को ये balance करना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। मैं चाय पीने जाता हूँ और अचानक से किसी के साथ बैठा हूँ और मैं उठ के दूसरे टेबल पर चले जाता हूँ कि मैं तेरे साथ चाय नहीं पी सकता, दुख की बात है, हम सब एक है, वो कैसा है क्या नहीं है मुझे कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं होना है, इकट्ठे बैठ के चाय पीने से कोई धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाता, ये चीज आज आपको समझने की जरूरत है। मेरे हिसाब से सिन है, गांधी जी कहते हैं कि इसको आप सिन की तरह मत देखिए, लेकिन वही कहते हैं ना जो बंदा अपनी राह पे खुद चलता है, ईवी रामस्वामी को ये लगा कि ये चीजें अच्छी नहीं हो रही है, मुझे नहीं चाहिए सारा कुछ, मुझे समाज एक चाहिए, आप इकट्ठे बैठ के खाएं स्कूल के अंदर तो एटलीस्ट ये चीजें नहीं होनी चाहिए। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि देश एक है, हम एक है, धर्म एक है, और वहां पे अगर आप ऐसी चीजें करते हैं तो आप कौन सा समाज क्रिएट कर रहे हैं जरा उसके बारे में बता दीजिए। एंड लाइक टू बैलेंस बोथ साइड गांधी साइड इट्स नॉट अ सिन, ये गुनाह नहीं है, नहीं खाना चाहता कोई, अलग कर दिया है, बट एज फार एज ईवी रामस्वामी विद अनदर ही वुड रैदर रेस्पेक्ट देयर, बस गांधी जी कहते हैं कि खाना खाने के इंपॉर्टेंट नहीं है, रेस्पेक्ट करने की इंपॉर्टेंट है, कोई बंदा किसी के साथ खाना नहीं खाता है कोई मसला नहीं है, लेकिन रेस्पेक्ट करे, लेकिन ई वी रामस्वामी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और यही वजह है उन्होंने गांधी को छोड़ दिया। कभी सवाल पूछा जाए आपसे कि आखिर ई वी रामस्वामी, द क्लैश बिटवीन द गांधी एंड द ई वी रामस्वामी, दिस वॉज द क्लैश ऑफ आइडियाज, वन साइड गांधी वॉज सेइंग लाइक कि हम सब एक है बट डाइनिंग के लिए अलग है, तो वन साइड ईवी रामस्वामी वॉज फाइटिंग फॉर द सेल्फ रेस्पेक्ट मोमेंट, दैट्स व्हाई इट वॉज ओनली अ सेल्फ रेस्पेक्ट मोमेंट, इनको रेस्पेक्ट दे दो बाकी क्या करना है क्या नहीं, लेकिन रेस्पेक्ट, द एंटायर जो इनकी पूरी मोमेंट चली है वो इसी चीज के ऊपर, मुझे पूरा यकीन है, आई एम डैम श्योर ये पॉइंट आपने आज पहली बार पढ़ा, ये होता है पर्सनैलिटी को पढ़ने का तरीका, और फिर आप आंसर क्वेश्चन कुछ भी डालते मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप ये आंसर निकाल लेंगे। अब आगे देखिएगा तो इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, अब ये गांधी से अलग हो जाएंगे, अब गांधी से अलग हो गए आफ्टर फेलिंग टू बेंड द कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस तो मुड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग, कांग्रेस ने ये बात नहीं मानी, तो कहते हैं ना बेटा कि ईवी रामस्वामी बिल्कुल भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पीछे दौड़, पावर के लिए नहीं दौड़ रहे थे, बहुत कोशिश की कि ये सिस्टम गुरुकुल का सिस्टम चेंज कर दिया जाए, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण को एक कर दिया जाए, जब बहुत कोशिश कर ली कांग्रेस ने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी, फिर देखिए आफ्टर फेल हो गए, तो ईवी रामस्वामी रिजाइनेड फ्रॉम द पार्टी इन 1925, बोला टाटा बाय बाय कांग्रेस में मुझे रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1925 एक ऐसा समय था जब कांग्रेस का, गांधी का बहुत बड़ा नाम था, आपको सब पता है 1925 सरोजिनी नायडू बिकेम फर्स्ट टाइम अ वुमेन प्रेसिडेंट, 1925 बहुत मेन टाइम था, अभी अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी खत्म हुई थी और गांधी जी बहुत एक्टिव लीडर थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया जस्ट फॉर वन रीजन, आई हैव अ क्लैश विद द गांधी एंड द रीजन बिहाइंड वॉज कि सेपरेट सिस्टम फॉर द नॉन ब्राह्मण एंड ब्राह्मण, व्हाट इज दिस, एक साइड से देश एक आजादी की ओर लड़ रहा है और हम बटे हुए, ये हमारी इतिहास का एक दूसरा चेहरा भी है। आई डोंट नो कि इससे पहले आपने इतना बड़ा क्लैश गांधी जी और किसी और लीडर के बीच में देखा है या नहीं देखा, पर ये देखना पड़ेगा, इसीलिए पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट होती है। Then he decided and associated himself with the Justice Party and the self-respect. ये याद रखिएगा, ये प्री का क्वेश्चन। फिर उन्होंने जस्टिस पार्टी बनाई, जस्टिस पार्टी 1925, इंसाफ दूंगा उन लोगों को जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनकी रिस्पेक्ट वापस लेके आऊंगा, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट। अब गांधी अलग, ईवी रामस्वामी अलग, मसला सिर्फ एक था कि कांग्रेस का एक स्कूल था उसमें सब कुछ अलग अलग था। तो
तो इनकी कभी भी गांधी के साथ जो कनेक्शन, जो सोच था वो नहीं मिली, और अलग से एक सिस्टम निकाला और कहा कि मैं अपने समाज को रिफॉर्म करके दिखाऊंगा, एंड विच अपोज द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण इन सोशल लाइफ एस्पेशली इन द ब्यूरोक्रेसी, कि मुझे जो खतरा लग रहा है समाज के अंदर, अब देखिए 1925 के अंदर कि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो बड़ी बड़ी, आज भी यही सारा सिस्टम आपको देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़े बड़े स्कूल, इज्जत, सब कुछ जो आप ऊपर वाली क्लास को दे रहे हो वो खत्म कर दीजिए। अब यहां पे इन्होंने अंग्रेजों की कोई बात नहीं की है क्योंकि ये समाज के लिए लड़ रहे हैं। अब देखिए ये गांधी जी के होते हुए सारी चीजें हुई है, मैं तभी कहता हूं आपको बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये इश्यू गांधी के सामने भी थे। अब उस समय ये बैलेंस कैसे किए गए हो तो वही समय जानेगा, लेकिन जो हिस्टोरियंस कहते हैं वो यही है कि गांधी के समय में भी हम लोगों को काफी सारी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिली, और उसमें से एक बेस्ट एग्जांपल ये है। नाउ ही हैज स्टार्टेड अ पार्टी कॉल्ड सोशल जस्टिस पार्टी इंसाफ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड बी अ सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट। द जस्टिस पार्टी हैड डिसाइडेड अर्लियर एडवोकेट अ रिजर्वेशन फॉर द नॉन ब्राह्मणिक। अब देखिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनकी रिजर्वेशन की डिमांड की गई, फर्स्ट टाइम नॉन ब्राह्मण जो भी ब्राह्मण के बिना जो है उनको रिजर्वेशन। अब यहां पे ब्राह्मण मींस सुपीरियर कास्ट। एंड आफ्टर कमिंग टू पावर इन द मद्रास प्रेसिडेंसी इश्यूड इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट इट, और फिर जब वो पावर में आए तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि जल्द से जल्द ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमारे खुद के बंदे होंगे। अब आप अगर इनको जरा देखेंगे तो मुझे एक रिफॉर्मर इनके अंदर दिखता है, इनके अंदर मुझे पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिख रही है। रामास्वामी को एक रिफॉर्मर के तौर पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे आप। डोंट टेक रामास्वामी एज अ पॉलिटिकल लीडर, ही वॉज नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, ही वॉज फाइटिंग फॉर द सोसाइटी, ही वॉज फाइटिंग फॉर द अनटचेबल्स, ही वॉज फाइटिंग फॉर द डाउनट्रोडन सोसाइटी टू ब्रिंग देम टू अपलिफ्टमेंट, and he was against the concept of the dominance of the brahmanization. This is the easiest way to remember, and he was fighting for the self-respect, and that's why there was a clash of ideas. There is no association after jab unhone resign kiya, fir congress ke andar unhone koi apna yogdan nahi diya, even though ki unke man mein ye bhi nahi tha ki british kya kar rahe hain, kyunki bahut thake thake se lag rahe the, aisa lag raha tha ki agar hum log hi apne samaj ko theek nahi kar paaye to ब्रिटिश हम लोगों को क्या देंगे। और मैं इनको बहुत इनसे बहुत इंस्पायर भी हूँ, इंस्पायर इसलिए होता हूँ इनसे कभी कभी क्योंकि इनकी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मेरी लाइफ के बहुत क्लोज हैं। क्योंकि आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक अच्छी पोजीशन पे होने के बाद आपको आप रिजाइन नहीं करेंगे, आप कैसे रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने वो भी कर दिया कि इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको समाज के उन लोगों को आगे लेके आना है जो पीछे रह चुके हैं। और गांधी कहते हैं कि ये कोई मसला नहीं है, खाना खाते नहीं है, सब ये खाना खाने की बात नहीं थी। अकॉर्डिंग टू ए वी रामास्वामी इट्स नॉट ओनली अबाउट अ डाइनिंग टेबल, इट्स अबाउट द लाइफ, आगे जाके क्या होगा। जो लोग आज एक साथ नहीं रह सकते वो कल कैसे इकट्ठे रहेंगे, और पॉइंट सही भी था। सो आफ्टर ये जब फेज स्टार्ट हुआ तो इनका थीम स्प्रेड बियॉन्ड द तमिल रीजन, फिर तमिल के लोगों के अंदर तो इनकी मोहब्बत ही थी, लेकिन जब ये सुनने को आया कि कोई लीडर है जो हमारी बात कर रहा है तो ये स्प्रेड होने लगा। ड्यूरिंग द सिर्फ पहले तो इन्होंने सिर्फ तमिल लोगों के लिए बात की, स्प्रेड बियॉन्ड द तमिल ड्यूरिंग द वियोकॉम सत्याग्रह ऑफ 1924, एक सत्याग्रह किया गया, अ मास मूवमेंट स्टार्ट हो गई। गांधी जी के ऑपोजिट के अंदर एक मूवमेंट और तैयार की गई। अब यह टाइम है 1924 का जब गांधी जी प्रेसिडेंट थे INC के, अलग एक सेपरेट, अब यह लग रहा था इनका एक ही मकसद था कि समाज को बदलना है। A mass movement to demand that lower caste person be given the right to use a public path in front of the famous Vicom temple, एक जो temple है उसके सामने इस temple में जाने की इजाजत होनी चाहिए, रास्ते पे चलने की इजाजत होनी चाहिए, पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए, हम लोग भी वही हैं जो आप। आज इस देश की आप बात कर रहे हैं, जो देश बना है यह सिर्फ गांधी से नहीं बना है, स्वेद से नहीं बनाया, आपसे नहीं बनाया, ये सब सब लोगों की कंट्रीब्यूशन है, तब जाके ये देश जो एक इंडिया आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलता है वो इनकी वजह से देखने को मिलती है। 1924 को गांधी जी जेल से वापस आते हैं तो 1924 के अंदर
रामा स्वामी एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और उस मूवमेंट की डिमांड जरा देखिए, कोई इलेक्शन नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ एक चीज, टेंपल की एंट्री होगी भाई, और पाथ जो आप लोग यूज करते हो वो लोअर कास्ट के लोग भी यूज करेंगे। आज भी कहीं ना कहीं आपको समाज के अंदर फिर से मुझे लगता है क्या ईवी रामास्वामी की टीचिंग आज 21 सेंचुरी में हमें फिर से चाहिए? क्या आज भी देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? क्या देश को एक फिर से खतरा लग रहा है कि जहां पे हम डिवाइड हो चुके हैं? क्या इनकी टीचिंग को पढ़ाना अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है? क्या इंडिया की कंट्री को फिर से एक बार रिफॉर्म करने की जरूरत है? मैं क्लास के अंदर काफी बार बोल चुका हूं। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रही है? सिर्फ खाली रिजर्वेशन की बात नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, द अर्लीस्ट रिकॉल ऑफ ईवी रामास्वामी प्रियार इज एन पदुपतियान शॉर्ट स्टोरी पुथिया नंदन, इसीलिए इनको पी का नाम आगे दिया जाता है। वैसे हम लोग ईवी रामास्वामी के दिस स्टोरी अपीयर्ड इन द लिटरेरी जर्नल द गेव स्पेस फॉर द न्यू रिलेटिव्स। एक स्टोरी पब्लिश की गई, उस स्टोरी के अंदर सारा कुछ लिखा गया। रामास्वामी अर्नेड द ट्रस्ट, लोगों को यकीन हो गया था कि इनके अंदर पावर की, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अंदर काफी चीजें ये लग रही थी कि जितने भी लीडर हैं वो पावर के पीछे दौड़ रहे हैं। रामास्वामी अर्नेड द ट्रस्ट, लोगों के दिल के अंदर वो प्यार और मोहब्बत जा गई थ्रू आउट द तमिलनाडु एज अ सोशल रिफॉर्मर। दैट्स व्हाई आई सेड ही वाज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर इन द अर्लियर फेज, ही वाज अ पॉलिटिकल लीडर, लेटर ऑन ही बिकेम अ सोशल रिफॉर्मर, सिंपल एक्टिविस्ट, और जिसने समाज के छोटे वर्गों के लिए अपनी बात की है। एंड अपोज द ब्राह्मणिज्म, रीइंस्टॉलेड द तमिलियन प्राइड, कि तमिल से बिलोंग करते हो तो प्राइड फील करो। वो किसी, अब सवाल ये भी बनता है कि क्या सर वो ब्राह्मणाइजेशन को डाउन करने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, वो ये कह रहे थे कि अगर ब्राह्मणाइजेशन, अगर ब्राह्मण अपर है तो तमिलियन भी अपर है, तमिलियन अगर अपर है तो बाकी के देश के भी अपर है, यानी कि सारी स्टेट एक जैसी है। ये खाली बात सिर्फ तमिलियन की नहीं चल रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि तमिलियन लोगों को प्राइड फील करना चाहिए कि वो तमिल बोलते हैं। और अगर आपको याद होगा तो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर तमिल लिटरेचर मैंने पढ़ाया भी था भाई, एक दिन पहले की क्लास हमने ली थी, मुझे याद है मैंने क्वेश्चन करवाया था, मैंने विजयनगर एम्पायर के आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपको क्वेश्चन करवाया था कि तमिल लिटरेचर साउथ इंडिया के साइड में सबसे ज्यादा हमें सोर्सेज जो मिलते हैं वो तमिल से मिलते हैं। तो एक लेजेंड है, एक लिटरेचर जो मिली, सो उसके ऊपर वो कहते हैं कि यू शुड बी प्राउड, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की जरूरत है। मैं आज भी मानता हूं आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो फील प्राउड, प्राइड है आपके बीच, आपका एक अपना कल्चर होगा, अपना अपना एक लिटरेचर होगा, आपकी एक अपनी लाइफ होगी, सो उस पर आप जितना काम करना चाहेंगे फील गुड। अंग्रेजी करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने कल्चर को आप नहीं छोड़ सकते, वो कल्चर आपको बहुत आगे लेगा। कृष्णदेव राय के बारे में हमारी बात, वो कृष्णदेव राय के समय तमिल देखिए जरा कितना फ्लोरिश हुआ, उस तमिल को आप 1925 के अंदर डीमोरलाइज कर रहे हैं तो गलत बात नहीं हो सकता। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बर्न इन द मद्रास प्रेसिडेंसी टू कैनेड बिजनेसमैन, यही कृष्णदेव राय थे ना जिनके अंदर कैनेड, जिनके अंदर तमिल, जिनके अंदर संस्कृत फ्लोरिश हुई, उसी को कम करने की बात की जा रही है। He joined the Congress party earlier. He also did not wait for the long before existing. लेकिन जल्दी से जल्दी कांग्रेस को छोड़ दिया, बोला कांग्रेस में कुछ नहीं होने वाला, कांग्रेस एक पावर की चीज में फंस चुकी है। एंड ही बिलीव दैट कांग्रेस पार्टी वॉज डोमिनेटेड बाई द ब्राह्मण, उन्होंने क्लियर बता दिया कि गांधी के समय में भी कांग्रेस के अंदर जो डोमिनेंस था वो ब्राह्मण का था, ये वो कांग्रेस नहीं मुझे दिखती है। इसके बारे में मैं बात बहुत बार कर चुका हूं कांग्रेस के भी, अब इसमें समय है नहीं, कि जो अर्लियर फेस ऑफ कांग्रेस का था उसमें आपको दिखता है कि कांग्रेस अपर कास्ट के लोगों के पास ही थी, लोअर कास्ट बहुत कम थे, ये झूठ नहीं है, ये सच भी है। सो देन ही हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ इन प्रमोटिंग द एक्सेप्टेंस एंड प्राइड ऑफ द लोअर कास्ट, बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कांग्रेस की ये सीट नहीं चाहिए, वो सीट नहीं चाहिए, मे भी कुछ लोग होंगे लेकिन मैं तो सिर्फ जी रहा हूं तो अपने लोअर कास्ट लोग जो है उनके लिए जी रहा हूं। एंड ही बिल्ट हिज ओन
पार्टी कॉल्ड द ड्रेविडार, जिसको डीके पार्टी बोला जाता है, विच इज कॉल्ड टू बी द इंस्पिरेशन बिहाइंड द मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी प्रीसीडिंग द तमिलियन प्राइड मूवमेंट. और इसी के बाद तमिल का जो नाम निकलता है उसका क्रेडिट इनको जाता है. आज अगर तमिल लोगों को यह पता चलता है कि तमिल तमिल है, और आज वो अगर अपने आपको प्राइड फील करते हैं, तो वो ई वी रामस्वामी की वजह से, वरना ये सारा डोमिनेंस उसी समय खत्म हो गया होता. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो हम कितना बहुत मतलब पास्ट जो है वो एंशियंट हिस्ट्री सारा तो वहीं से बिलोंग करता है. पढ़ाया हूं आप, ऐसी नई बात नहीं है कि आपको पता नहीं होगा. आप कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ें, विजयनगर अंपायर के बारे में पढ़ें, तलुआ डायनेस्टी के बारे में पढ़ें, संगम डायनेस्टी के बारे में पढ़ें, टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स के बारे में पढ़ें, लिटरेचर के बारे में पढ़ें, ड्रामास के बारे में पढ़ें, तो आपको सारा तो वहीं से मिलता है. तो उस पर प्राइड फील होना चाहिए. और इन्होंने कह दिया कि नहीं, बिल्कुल कांग्रेस उस चीज पे काम नहीं करती है. एंड इन द 1940s जब भारत के अंदर अंग्रेज लोग ऑफर पे ऑफर भेज रहे थे, मैंने 1940s की बात बहुत अच्छे से की है. अगस्त ऑफर याद होगा आपको, क्रिप्स मिशन भी आपको याद होगा, कैबिनेट मिशन भी आपको याद होगा, माउंटबेटन प्लान भी आपको याद होगा, लेकिन उन सारी चीजों को अभी भूल जाए. 1940 के अंदर इन्होंने ईवी रामस्वामी आया, लॉन्चेड द ड्राइव डीके पार्टी, बोला कि ये लोग पावर के लिए जी रहे हैं, जरा मेरा देखिए. 1940 विच वाज एन इंडिपेंडेंट ड्रेविडियन नाडु कंप्रोमाइजिंग तमिल मलयालम तेलुगु एंड कन्नड़ स्पीकर्स, इनके लिए अलग कर दीजिए, अलग ही देश कर दीजिए अगर आपको लगता है कि ये लोग अच्छे नहीं है. इसमें कौन कौन सी उन्होंने बात की है, जरा क्या करना है, इंडिपेंडेंट कर दीजिए ड्रेविडिया नायडू. ड्रेविडिया नायडू किस चीज को कहा जाता है, ड्रेविडिया नायडू में तमिल एक, मलयालम दो, तेलुगु तीन, कैनेट, इन सारों को मिलाकर ड्रेविडिया नायडू बन जाता है. इनको अलग कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको यह लगता है कि ये आपके समाज के लोग है ही नहीं, छोटे लोग हैं, तो फिर अलग कर देना चाहिए. फिर क्या है, जब 1940 में आजादी आई रही है, तो ड्रेविडिया नायडू अलग कर दीजिए. द ड्रेविडियन लैंग्विस्टिक फैमिली वॉज फाउंडेशन ऑन विच ही बेस्ड हिज आइडिया ऑफ ड्रेविडिया नेशनल आइडेंटिटी. बेसिकली ये ड्रेविडियन फैमिली से बिलोंग करती है, ये लैंग्वेज भी फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए इसको ड्रेविडिया नायडू कहा जाता है. अगर सवाल यूपीएससी प्री में करता है, ड्रेविडिया नायडू में तमिल आता है, मलयालम आता है, तेलुगु आता है, कन्नड़ आता है. These ideas have a seminal influence on the shaping of the political identity. फिर बाद में इसी समय जब ये लगा कि अब खतरा है, समाज बट रहा है, शायद कहीं देश अलग ना हो जाए, एक और partition देखने को ना मिले, so then finally the political identity and culture of Tamil speaking area of Madras presently and continue to be resonate in the present day of Tamil Nadu. फिर उसी के आधार के ऊपर आज जो आपको देखने को, वो influence आज भी हमें देखने को मिलता है. मेरे लिए ये पर्सनैलिटी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है. कहीं पे भी आपने ये नहीं पढ़ा कि वो अपने पावर के लिए लड़ रहे हैं. फॉर द रेंज ऑफ तमिल प्रिया टुडे इज एन आइडियोलॉजी. आज लोग उनको एक आइडिया की तरफ देखते हैं, जैसे गांधी को आप देखते हैं, तो तमिल लोग इनको इस तरीके से देखते हैं. एन एफर्ट फॉर ही स्टेन फॉर द पॉलिटिक्स दैट फॉर ग्राउंड सोशल. वो पॉलिटिक्स दे दो जिसमें सोशल इक्वालिटी हो, जिसमें सेल्फ रेस्पेक्ट हो, जिसमें लैंग्विस्टिक प्राइड हो. वो किसी भी लैंग्वेज का होगा, लेकिन उसको प्राइड होना चाहिए. अगर आप वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे पा रहे, तो फिर मत बनाइए पॉलिटिकल पार्टी. फिर जरूरत नहीं है. And he stands for the political that foreground social equality, self-respect, linguistic pride. As a social reformer, he focused on the social, cultural and gender inequalities. And his reform agenda questioned matter of faith, gender and tradition. ये discrimination के ऊपर ही नाच रहे हैं. आप देखिए पूरा entirely इनका discrimination का ही concept. He asked people to be a rational in their life choice. Rational बनिए, अच्छी सोच रखिए. Thinking should be a rational. दो टाइप की thinking होती है, एक होती है rational, एक होती है irrational. वो thought बोलिए जो rationally proof हो सके. And he argued that women need to be independent. Women को independent, not merely a child barrier. सिर्फ इसलिए आपने women को रखा है कि वो बच्चे पालने की एक machine है, ना. And instead that they be allowed to be equal share in all property, education. Women को सिर्फ एक काम के लिए नहीं रखा जा सकता. तो as a social reformer मैं इनको मानता हूँ. मैंने तभी कहा था इसे politically the self respect movement he led promote abiding without rituals. कोई rituals नहीं होंगे. Sanction property as well as divorce right for the women. क्या बात है, कितने ग्रेट पर्सनैलिटी के तौर पे आप इनको देखेंगे. मुझे तो ये जब मैं इनको पढ़ाता हूं, तो मुझे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर राजा राम मोहन रॉय याद आ जाते हैं. ही अपील टू पीपल टू गिव अप द कास्ट. छोड़ दीजिए कास्ट. स्पेक
in their name and to not mention their caste. Caste likho hi mat aage, apna naam likh diya, baat khatam, caste mat likho. Kyunki jab jab aap caste likhte ho, aapke dimag mein ye aata hoga ki meri superior hai, uski inferior hai. And he instituted interdining with a food cooked by the Dalits in public conference in 1930 के अंदर सबको मिला के खाना खा के दिखाया कि भाई अगर गरीब है तो वो भी खा सकता है, अमीर है. ये 1930 के अंदर interdining करवाई गई. कैसे लीडर हम लोगों के देश के अंदर आए और कैसे लीडर आ चुके हैं, ये फर्क देखने की जरूरत है. ये होते हैं वो लीडर जो देश को एक करने की बात करते हैं, कुछ देश को तोड़ने की बात करते हैं. इससे देश बनेगा, बिगड़ेगा नहीं. रिजाइन करके भी उन्होंने काम किया क्योंकि पॉलिटिकली पावर की कोई लस्ट नहीं थी. दिल में ये था ही नहीं कि भाई ये करना है, पावर जरूरत है, ऐसा जरूरत है, वैसा जरूरत है, कुछ भी नहीं. लग रहा है आपको? एंड सी ए सी एन अंदौरी हु वाज अ पीयर टू डायरेक्ट पीपल टू वन ऑफ टाइम अब उनके साम broke with him, split the DK and formed the Dravidia Manitur DMK in 1949. इन्हीं के पार्टी के अंदर से भी फिर डिवीजन होता है, एक और पार्टी बनती है DMK पार्टी. अन्ना a man of the masses recognized the value of electoral democracy, accepted that the Tamil separatism had no future. कि तामिल को अगर हम सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम देते हैं तो फिर तामिल का कोई, क्योंकि उन्होंने उस समय डिमांड की थी कि तामिल को अलग कर दिया. ही यूज्ड द न्यू मीडियम ऑफ सिनेमा टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ द ड्रेविडियन मूवमेंट एंड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज ए सक्सेसर टू दे पीआर. मैं अन्ना की बात करता हूँ कि जो ई वी रामस्वामी ने बताया है, हमें तामिल के लोगों को वही इज्जत देनी पड़ेगी. वो किस कलर से बिलोंग करते हैं, वो किस चीज से बिलोंग करते हैं, नो मैटर एट ऑल, नो. लेकिन हाँ, in 1967 the DMK won office in the Tamil Nadu. Since then the Tamil Nadu has been ruled by a party who traced their origin to the Dravidian movement. Bahut sare wahan pe isi Dravidian movement EV Ramaswamy ke naam se hi ladte bhi hain. They may have diluted the EV Ramaswamy Periyar ideas in office, but both the DMK and the AIDMK proudly claim to be inherents of the EV Ramaswamy social and political vision. Jo bhi party Tamil Nadu ke andar aap dekhte hain, wo yahi kehte hain ki hum इलेक्शन जो लड़ रहे हैं वो रामस्वामी अय्यर के नाम पे ही, ईवी रामस्वामी जो है उन्हीं के. तो अब इसकी अलग अलग पार्टीज बन गई हैं, तो आज का करंट का सिनेरियो वहां पे है, लेकिन जो उनके आइडियाज थे वो आज कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते. अपार्ट फ्रॉम दैट द यूनिवर्सल कंडेमनेशन ऑफ बीजेपी लीडर एच राजा सोशल रिमार्क ही सिंस रिमूव्ड द पोस्ट एंड अपोलोजाइज अंडरलाइन द आइकॉनिक स्टेटस ऑफ प्रियर इंजॉयड इन द तमिल नाडु. क्योंकि इनके ऊपर कुछ ऐसी चीजें, यू डोंट नीड टू मेंशन दीज नेम, कीप इट अवे बिकॉज वी डोंट नीड टू, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की बात है तो आप, हम लीडर्स की नाम तो नहीं लेते हैं. DK now has a limited political influence in the Tamil Nadu, but Periyar has grown beyond the DK and even Tamil Nadu. आज भी लोग उनको पूछते हैं. While the caste discrimination continue to be prevalent in the state, every political party pay least lip service to E.V. Ramaswamy ideas of social and political injustice. आपको ये मानना पड़ेगा कि आज कोई भी इनके बारे में, आज सिर्फ पावर का स्ट्रगल हो रहा है. In a way, Raja was right to compare Lenin, Raja Ram Mohan Roy, and E.V. Ramaswamy, Periyar. Periyar is to be the Dravidian movement as a Lenin is to be a communism. जैसे Lenin रशिया के लिए है, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि रामस्वामी तमिल लोगों के लिए वो वैल्यू रखता है. राजा रिजेक्शन ऑफ ईवी रामस्वामी वॉज कंस्ट्रक्टेड एज अ रिजेक्शन ऑफ हिज आइडियाज. अब ये मैं ये पॉलिटिकल पार्टीज से कंसेप्ट नहीं लेना चाहता हूं. प्रियार इज सीन एज एन आइकॉन ऑफ ओबीसी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस. ओबीसी के अंदर उन्होंने बहुत सारी जगह लिखा है. एनी अटेम्प्ट टू डिराइड him will be seen as attempt to be underdetermined the gain made by OBC even beyond the Tamil Nadu. और यही वजह है कि आज जो आप OBC देखते हैं, तमिल लोगों की जो वैल्यू आप देखते हैं, उसका सारा क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं ईवी रामस्वामी को जाता है. थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी. आई होप आपने इससे पहले, शायद मे बी कभी गलती से सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और ड्रेविडियन मूवमेंट भी कह लें, या सेल्फ जस्टिस के तौर पर भी आपने इनको कभी देखा हो, कोशिश करिएगा कि याद रखिएगा कि किस चीज के लिए उनको याद रखा जाता है. मुझे नहीं लगता है कि आप भूलेंगे कभी, क्योंकि आपको सिंपल सा याद रखना है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस खत्म करने की बात की है, कि अपर कास्ट के लोग क्यों छोटी कास्ट को इतना नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं. एक रिफॉर्मर है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक पॉलिटिकल लीडर थे लेकिन रिजाइन कर दिया,
और सिर्फ डिमांड लास्ट तक यही रही कि तमिल के लोगों को अपना हक दिया जाए, उनकी रिजर्वेशन हो, उनको कहीं पे भी डीमोरलाइज ना किया जाए। सो फॉर मी ही वॉज जस्ट एज अ रिफॉर्मर। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये पढ़ने के बाद अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग में भी कुछ पॉइंट इनके डाल पाए कि किस तरीके से भारत के अंदर कुछ लीडर्स जिन्होंने सोशल अपलिफ्टमेंट की बात किया, जो हम हर दिन करते हैं, उसमें से एक नाम इनका आता है। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लासेस जो हमारी स्पेशल क्लासेस रहेंगी विल बी एट 12 PM, 12 आफ्टरनून इंडियन सोसाइटी क्लास, देन 5 PM आपकी जो क्लास होगी दैट विल बी आंसर राइटिंग क्लास, और 8 बजे हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्लास है। सो दैट विल बी अ स्पेशल क्लास एंड होपफुली यू ऑल विल जॉइन मी देयर। एंड आज से याद रखिएगा कि हमारी हर क्लास यूट्यूब की इसी चैनल पे होगी, लिंक इज देयर, सो होपफुली आप उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। So those candidates who want to take a subscription UPSC CSE batch, so this is the best time to join with An Academy. So thank you so much for being with me. May Allah bless you all. Stay safe and stay blessed. See you in the next class. Till then, bye bye.